बढ़िया भैया, क्या बना रहे हो? जो भी बना रहा हूँ तुम्हें अच्छा लगेगा। एक बात पूछूं? हाँ पूछो पूछो। हमारे पास घर क्यों नहीं है? सुनना चाहते हो? मैं एक सच्ची कहानी बताता हूँ। ये बहुत पहले की बात है, शहर में बहुत बमबारी हो रही थी, लोगों को बहुत बेहरामी से मारा जा रहा था, चारों तरफ गोलियां चल रही थी, शहर में धुआं ही धुआं था, कुछ भी ठीक तरह से नज़र नहीं आ रहा था, हर जगह लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी। शहर शमशान घाट में बदल गया था, सिपाही निर्दोषों का बेहरामी से कत्लेआम कर रहे थे, औरतों की इज्जत लूटी जा रही थी। मुझे भी वो लोग मार देते अगर वो मुझे उस वक्त देख लेते तो। सिपाही के जाते ही मैं वहाँ से भाग निकला, मेरे पाँव भी नहीं रुक रहे थे, मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस भाग रहा था। भागते भागते मैं बहुत दूर निकल गया था, फिर मैं थक के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, बचाओ बचाओ। मैंने इधर उधर देखा और देखा कि एक औरत जख्मी हालत में पेड़ के नीचे बैठी थी और उसके पास एक बच्चा था। उसने वो बच्चा मुझे सौंप दिया और उस औरत ने मुझे एक अपनी निशानी भी दी और इतना करते ही वो गुजर गई। मैंने उस औरत को उसी जंगल में दफना दिया। उस बच्चे को लेकर मैंने सोचा कि मैं ही इसका बड़ा भाई, माँ बाप सब कुछ मैं ही बनूँगा, और वही बच्चा आज मेरे सामने बैठा है।